Good morning, student. And this video for class second. Class second. Now it's your English speaking class. Okay. So in this video, I will explain the second poem of your course book. And after explaining the poem, I will also explain the exercise of this poem. Okay. And the name of the poem is Six Little Mice. जो आपकी poem है, वो page number 26 पे है. So be with your book. आप सभी अपनी book के साथ रहेंगे. Without book you will not watch this video. ठीक है, आप बिना book के video नहीं देखेंगे, because without book you will not understand whatever I teach. So now we are going to start new poem. Okay, please be with your book. So now I am going to explain. First of all, I will read complete poem, and after it I will explain hard word of this poem. Okay, so now start. The name of the poem is Six Little Mice, means छह छोटे चूहे. Six little mice sat down to spin. Kitty passed by and she peeped in. What are you doing, my little man? Weaving clothes for gentlemen. Shall I come in and cut off your threads? No, no, Mistress Kitty, you had bite off our heads. Oh no, I will not. I will help you spin. That may be so, but you can't come in. Okay? So मैंने आपको एक poem पढ़ के बताई, अब आप समझ गए होंगे. तो इससे पहले, तो explaining से पहले मैं आपको hard word बता देती हूँ. Now the hard word, I will explain each and every line. ठीक है? तो आपका जो सबसे पहले हार्ड वर्ड आपकी बुक में भी दे रखे हैं, पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हो. यू कैन फाइंड ऑन पेज नंबर 27 एंड यू विल सी ऑन द बोर्ड एट द बोर्ड. आप बोर्ड पे भी देख सकते हो कि मैंने हार्ड वर्ड जो है उस पर अंडरलाइन कर रखा है. आप उसको देखें और ध्यान से सुने. तो फर्स्ट नंबर की जो है हार्ड वर्ड स्पिन, SPIN. स्पिन मीन्स क्या होता है? काटना. काटनी, जिस सूत काटा जाता है, तो स्पिन मीन्स काटना. किसी भी मीन्स जैसे टू मेक थ्रेड फ्रॉम वूल, कॉटन से, ईटीसी. मतलब किसी भी कॉटन से या सिल्क से हम जो धागा निकालते, धागा बनाते हैं, उसको हम स्पिन बोलते हैं. नेक्स्ट आपकी है पीट. पीट मीन्स होता है झांकना. जैसे आप कहीं से भी खिड़की से बाहर को झांकते हो या डोर से बाहर झांकते हो, तो उसको हम बोलते हैं पीट. या किसी बोर्ड से अंदर देखते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पीट. पी डबल ई पी ई डी. वीविंग, डब्ल्यू ई ए वी आई एन जी. वीविंग, वीविंग मीन्स क्या होता है? बुनना. जैसे आपकी मम्मी है, दादी है, वो तो सिलाई, वो स्वेटर बुनती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वीविंग. उसके बाद है थ्रेड्स, टी एच आर ई ए डी एस. थ्रेड्स, थ्रेड्स मीन्स क्या होता है? धागा. जो भी आपने देखा होगा कि जब आपका कोई कपड़ा फट जाता है या फिर आपको बटन टाँकनी होती है, तो उसके लिए जो हम धागा यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? धागा. ओके, नाउ द हार्ड वर्ड इज कम्प्लीटेड. Now I am going to explain each and every line. So listen carefully and be with your book. Six little mice sat down to spin. Means क्या है? जो छह छोटे चूहे. Six little mice means छह छोटे चूहे. Sat down to spin. बैठ कर, नीचे बैठे हैं. किसके लिए? Spin मतलब वो जो मतलब कॉटन से धागा थ्रेड्स को निकालने के लिए, ट्विस्ट, जो कॉटन है उसको ट्विस्ट कर करके थ्रेड निकालने के लिए. ठीक है, स्पिन करने के लिए. किटी पास बाय एंड थ्री फीट इन, मतलब किटी क्या? छोटी बिल्ली. ठीक है, या भी बिल्ली का छोटा बच्चा. पास्ट बाय मीन्स उसके वहाँ से गुजरा. पास्ट बाय मीन्स उधर से गुजरा. एंड थ्री फीट इन, और जब वो गुजरी तो उसने एक होल से देखा. यू कैन सी ऑन द पिक्चर ऑफ योर बुक. आप बुक में भी देख सकते हो, आपकी पिक्चर दे रखी है, उस पर पूरा आप देख सकते हो कि उसमें जो बच्चे, वो जो छोटे चूहे हैं,
वो कैसे कॉटन से स्पिन कर रहे हैं, थ्रेड को निकाल रहे हैं, धागा जो धागा है उसे काट रहे हैं। उसके बाद आप देखो एक छोटी बिल्ली है वो होल से झांक रही है, मतलब पीप कर रही है। तो क्या है कि सी पास बाय एंड शी पीप इन, मीन्स जो छोटी बिल्ली है वहीं से गुजरी, कहाँ से, जहाँ से वो सारे जो चूहे थे, जो छह चूहे थे वो जहाँ वो सूत काट रहे थे तो वहाँ से वो गुजरी एंड सी पीप इन, और वहाँ उसने एक होल से झांक के देखा। व्हाट आर यू डूइंग माय लिटिल मैन, फिर उस बिल्ली ने, उस किटी ने पूछा कि अरे मेरे छोटे चूहो या फिर छोटे माय लिटिल मैन, तुम सब ये क्या कर रहे हो। नेक्स्ट लाइन में क्या उन्होंने बताया, वी वेंट क्लोज फॉर जेंटलमैन, उन्होंने बोला कि मैं हम सभी जेंटलमैन के लिए कपड़े बुनने के लिए तैयार कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शैल आई कम इन एंड कट ऑफ योर थ्रेड्स, मीन्स शैल आई कम कौन बोल रहा है, कम इन, शैल आई कम इन बिल्ली बोल रही है, किटी बोल रही है, तो क्या मैं भी वो जो आप स्पिन कर रहे हो कपड़े बनाने के लिए, धागे काट रहे हो मेरी क्लोथ जेंटलमैन के लिए, क्या मैं उसके लिए अंदर आऊँ एंड कट ऑफ योर थ्रेड्स, और मैं भी आपके साथ वो धागे निकलवाऊँ आके। तो वो बोलता है, बिल्ली पहले ये बोलती है कि क्या मैं अंदर आऊँ और आपके साथ भी वो धागे काटूँ आके। नो नो मिस्ट्रेस किटी, यू हैड बाइट ऑफ आवर हेड्स, तो वो क्या बोलता है, वो जो चूहे होते हैं वो सारे चूहे बोलते हैं कि नो नो मिस्ट्रेस, आप नहीं आ सकती हो, क्योंकि अगर आप अंदर आए यू हैड बाइट ऑफ आवर हेड्स, तो आप अंदर आके हमारे हेड्स को या हमारे सर को उतर दोगी या काट लोगी। तो नेक्स्ट लाइन है ओ नो, मतलब ओ नहीं, आई विल नॉट, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मीन्स कौन बोलता है, बिल्ली बोलती है, किटी बोलती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। आई विल हेल्प यू स्पिन, मैं क्या करूँगी, मैं आपकी स्पिन, मतलब कि वो जो आप धागा निकाल रहे हो, धागा बना रहे हो कपड़े बनाने के लिए, उसकी बनाने में हेल्प करूँगी। ठीक है, लास्ट लाइन है That may be so, but you can't come in. हो सकता है, फिर वो चूहे बोलते हैं, हो सकता है कि आप हमारी हेल्प के लिए आओ, लेकिन हो सकता है कि आप ऐसा करो, लेकिन आप अंदर नहीं आ सकते हो। ठीक है, सो नाउ द एक्सप्लेनेशन इज कम्प्लीटेड। तो इस पोयम में क्या है कि इसमें जो छह चूहे हैं वो छह चूहे क्या कर रहे हैं, धागा निकाल रहे हैं, किससे, कॉटन से धागा, सूत काट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो जब कर रहे होते हैं, उसी के पास से एक बिल्ली निकलती है, किटी निकलती है, वो जैसे ही देखती है कि ये यहाँ क्या हो, एक मतलब एक दूसरे गोल से झांकती है, वो देखती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो देखती है तो उसको तुरंत चूहों से पूछती है कि अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कि हम उनके कपड़े बनाने के लिए, जो जेंटलमैन है उनके कपड़े बनाने के लिए धागा निकाल रहे हैं या काट रहे हैं। उसके बाद वो बोलती है अच्छा अच्छा अगर आप ये कर रहे हो तो क्या मैं भी अंदर आ जाऊँ, आपके साथ धागा बनाऊँ आके, धागा कटवाऊँ आके। तो वो चूहे बोलते हैं अरे नहीं नहीं आप मत आओ, क्योंकि अगर आप आओगी तो आप हमारा सर काट दोगी। तो वो बिल्ली बोलती है अरे नहीं ऐसा मत सोचो, मैं अंदर आऊँगी और आपके साथ आपकी हेल्प कराऊँगी। तो सारे चूहे बोलते हैं अच्छा ठीक है, हो सकता है आप ऐसा हेल्प कराओ हमारी, बट आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो द एक्सप्लेनेशन इज कम्प्लीटेड। Now moving the next part is answer the following questions. ठीक है, मैंने हार्ड वर्ड आपको बता दिए हैं, जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज नंबर ए, दिस इज पेज नंबर 27, ये आपके पेज नंबर 27 पे है। सो प्लीज़ बी विद योर बुक, मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि आप जब भी आप ये वीडियो देखेंगे या कोई भी वीडियो देखेंगे अपनी बुक के साथ जरूर रहेंगे, क्योंकि बिना बुक के आप ये समझ नहीं पाएंगे। और प्लस आपने जो भी PDF से नोट्स तैयार किए हैं आप उसको भी साथ में रखेंगे, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सा क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर है। ओके, तो सो नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर ए। द एक्सरसाइज नंबर ए इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन दे रखे उसको आपको आंसर लिखने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी माइस आर देयर इन द पोयम, तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया है
उन्होंने जो बताया है कि हाउ मैनी मीन्स कितने चूहे थे, तो यू कैन सी इन द फर्स्ट लाइन, आप फर्स्ट लाइन में भी देख सकते हो, सिक्स लिटिल माइस मीन्स छह चूहे, ओके। तो आप लिखोगे देयर आर सिक्स लिटिल माइस इन द पोयम, बहुत इजी है, आपको वो बिल्कुल आंसर इसमें ही मिल गया, हाउ मैनी कितने, मतलब सिक्स लिटिल माइस छह चूहे। नेक्स्ट है व्हाट डिड द माइस सिक्स डाउन टू डू, मतलब क्या है कि वो जो छह चूहे थे वो नीचे बैठ के क्या कर रहे थे, सिक्स लिटिल माइस सेट डाउन टू स्पिन, वो जो कॉटन से धागा जो भी धागा था उसको निकाल या सूत बुन रहे थे, स्पिन मींस सूत काटना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है हु पास्ड बाय एंड पीक्ड इन, कौन उसके पास से निकला और झांका, तो आपको पता है किटी पास्ड बाय एंड शी पीक्ड इन, मतलब बिल्ली वहां से निकली, छोटी जो जो भी किटी थी वो निकली और वही झांकी। व्हाट डिड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डिड शी ऑफर टू डू, फिर उसने क्या मतलब ऑफर किया या क्या बोला, उसने क्या उन चूहों से बोला, शी ऑफर टू कम इन एंड कट ऑफ देयर थ्रेड्स, उसने क्या हेल्प के लिए बोला कि मैं आपकी क्या हेल्प कराने के लिए अंदर आ सकती हूँ, और जो आप धागे काट रहे हो जेंटलमैन के लिए उनको मैं आपकी उसके उसको मतलब काटने के लिए हेल्प करा सकती हूँ, तो आप इसमें भी देखो शेल आई कम इन एंड कट ऑफ देयर थ्रेड्स, तो इसने यही ऑफर रखा कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ और आपके साथ जो भी आप थ्रेड काट रहे हो उसमें मदद करा सकती हूँ। नेक्स्ट एंड लास्ट है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज मिस्ट्रेस किटी, मिस्ट्रेस किटी इज क्यूरियस एंड हेल्पफुल एनिमल, मीन्स क्या इसमें अगर आपने अभी, वैसे तो बिल्ली बहुत ही चालाक होती है आप सभी जानते हो, लेकिन अगर हम इस पोयम में देखेंगे तो हम मेरे अकॉर्डिंग यही है कि वो जो बिल्ली थी वो थोड़ी सी क्यूरियस, मतलब क्यूरियस मीन्स है कि उत्सुकता दिखा रही थी, उस वो काम करने की इच्छा जता रही थी कि जो भी काम सीखना चाहती थी या करना चाहती थी, और वो हेल्पफुल पर्सन हेल्पफुल एनिमल्स थी के रूप में भी दिखाई गई है क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहती थी। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, मिस्ट्रेस किटी इज क्यूरियस एंड हेल्पफुल, ओके। सो दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, नाउ मूविंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, एंड दिस एक्सरसाइज पेज नंबर 27, ये पेज नंबर 27 पे आपको एक्सरसाइज मिलेगी, सो प्लीज बी विद योर बुक एंड लिसन केयरफुली। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली होता कुछ नहीं है, बस आपको एक या दो लाइन दे दी जाती है आपकी पोयम या चैप्टर से, उस पोयम या चैप्टर से फिर आपको रेफरेंस में लिखना होता है कि ये पोयम किससे ली गई है या फिर ये चैप्टर किससे लिया गया है। उसके बाद अगर इसके राइटर दे रखे हैं तो आप रेफरेंस में राइटर मेंशन करेंगे, अगर राइटर नहीं दे रखे हैं तो यू विल नॉट मेंशन द राइटर, ओके। एंड नेक्स्ट पार्ट इज कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट में हम हमेशा वो लिखते हैं जो भी लाइन एक्सप्रेस करती है, मीन्स मान लीजिए कि लाइन में आप दो लाइन दी गई है उसमें हो रहा है कि किसी के बीच कन्वर्सेशन चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि वी कैन सी द कन्वर्सेशन बिटवीन देम ही और शी, मतलब जो भी दे रखा होता है, तो आपको जो भी कॉन्टेक्स्ट में ये लिखना होता है जो भी लाइन एक्सप्रेस कर रही होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट, ओके। सो एक्सरसाइज नंबर बी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका पहला रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में है, किटी पास बाय एंड शी पीप्ड इन, मींस इसमें क्या दे रखा है, इसका हम सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस में क्या होता है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोयम सिक्स लिटिल माइस, मींस ये जो पोयम है हमारी वो सिक्स लिटिल माइस से ली गई है, और वी नो दैट कि देयर इज नो मेंशन, आपकी बुक देखिए उसमें कोई भी जो राइटर इसमें मेंशन नहीं किए गए, यू सो यू विल नॉट मेंशन द राइटर नेम, ओके। एंड कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट पे हम देख सकते हैं कि इन दिस लाइन आपकी पीडीएफ में मैं लाइन मेंशन करना भूल गई हूँ, सो आप अपनी कॉपी पे लाइन मेंशन कर लीजिएगा, आप अपने देखिएगा जो आपने पीडीएफ से इसके नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने इन दिस के बाद लाइन मिस कर दी है, मतलब लाइन को नहीं लिखा है, आप लाइन जरूर मेंशन कर लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि शायद आपका ये रह गया, तो आप क्या लिखोगे, इन दिस लाइन वी कैन सी द क्यूरियोसिटी ऑफ द किटी, मतलब
मतलब हम इस लाइन में क्या देख सकते हैं कि जो बिल्ली है बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है काम कराने के लिए, मतलब जो भी चूहे काम कर रहे हैं सूत काट रहा है तो उसको काम कराने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है या फिर बहुत वो भी काम करना चाहती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ उसी लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर जो सब तो और फिर क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर आपको इसी में ही मिल जाते हैं उसी लाइन में। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हु पास्ड बाय, मतलब कौन पास से गुजरा, तो आपको पहले ही पता है किटी पास्ड बाय। देखो आप लाइन में भी देख सकते हो, आपको उसका आंसर उसी लाइन में मिल जाएगा। तो किटी पास्ड बाय, हु डिड शी पास बाय, मतलब फिर वही चीज, मतलब कि किसके पास से वो निकली, जो बिल्ली थी किटी थी वो किसके पास से, तो सी पास बाय सिक्स लिटिल माइस, मतलब वो छह चूहे थे उसके पास से निकली। व्हाई डिड शी पीप इन, मतलब वो क्यों देखी, उसको वो क्यों देखी, बिकॉज शी पीप इन विद क्यूरियोसिटी, क्योंकि उसको बहुत ही उत्सुकता थी देखने के अंदर कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। सो द फर्स्ट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट इज कम्प्लीटेड, और इसी तरह सेकेंड भी है आपका, मैंने आपको पीडीएफ फाइल में दे दिया है, आप आई होप आपने किया भी होगा और आपको समझ में भी आया होगा, तो आप प्लीज इसको भी कंप्लीट कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर सी भी आपकी 27 पेज नंबर पे है और ये भी मैंने आपको पीडीएफ में दे दी है। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर ये है थिंक डिस्कस एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो इसमें क्या होता है, थिंक डिस्कस मीन्स इसमें आप खुद लिखना होता है, सब बच्चों से पूछा जाता है कि आप अगर होते तो क्या होता, अगर आप होते, सबके अलग अलग आंसर्स आते हैं, तो इसीलिए ये आपको खुद करना होता है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ, डू यू थिंक दैट किटी रियली वांटेड टू हेल्प द माइस, व्हाई या व्हाई नॉट, क्या आपने जो भी ये पोएम पढ़ी है सिक्स लिटिल माइस, तो इससे आप क्या देख सकते हो, आप क्या सोच सकते हो कि वो जो बिल्ली थी जो किटी थी वो सचमुच उनकी हेल्प करना चाहती थी, वो जो छह चूहे थे अगर करना चाहती थी तो क्यों, अगर नहीं करना चाहती तो क्यों नहीं करना चाहती थी। सो आपको इसका आंसर खुद से लिखना है, सभी बच्चे अपना अपना आंसर खुद से बताएंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट इट इज बैड इफ शी बाइट्स द माइस, अब आप ये मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, क्या आप ये सोच सकते हो कि बिल्ली एक मतलब बहुत खराब थी या उसका नेचर अच्छा नहीं था, क्या वो उन चूहों को काट सकती थी, अगर हाँ तो आप ले लीजिए, अगर ना तो आप ले लीजिए। ठीक है, सो एक्सरसाइज सी इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। सो क्लास सेकेंड आपका जो सेकेंड पोयम है इंग्लिश सीबी की सिक्स लिटिल माइस, वो मैंने आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा दिया है, उसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज टू रिलेटेड अदर वीडियोस एंड द पीडीएफ फाइल ऑफ इंग्लिश सीबी, अगर आपको उस इंग्लिश सीबी के जो मैंने प्रीवियस वीडियो भेज दिए हैं और जो पीडीएफ फाइल है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझसे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ कम्प्लीट योर वर्क, लर्न दिस chapter and your work should be neat and clean and no meaning mistake. Okay, so thank you and thanks for watching.